हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आलू और छोले की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो जिसके लिए मैंने छोले को 7-8 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अभी छोले अच्छे से भीग के तैयार हो चुके हैं, तो अभी इसके अंदर हमें पानी डालना है। अभी इसे मैं बॉईल करने के लिए रखूंगी, तो पानी में ज्यादा नहीं डालूंगी, सिर्फ छोले डूबे उतना ही हमें पानी डालना है। तो अभी मैं कुकर को बंद करके 3 विसल होने तक इसे पका लूंगी। तो अभी मैंने कुकर रख दिया है, अभी हम गैस की फ्लेम ऑन करते हैं। और अभी इसे 3 विसल होने तक हमें पका लेना है। अगर आप चाहे तो इसमें कॉफी की जो पोटली या चाय की पोटली भी रख सकते हो, ताकि छोले का कलर बदली हो जाए, अगर आपको चाहे तो। ये ऑप्शनल है, मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है। अगर आप हल्दी पाउडर डालना चाहते हो तो फिर भी डाल सकते हो, या फिर जैसे मैंने अभी भिगो के रखे हैं वैसे ही आप सीधे उसे बॉईल करने के लिए रख दीजिए। तो अभी 3 विसल होने तक हमें बॉईल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए हमारे छोले अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए, सारे छोलों को देख के आपको पता चलेगा ये बहुत, लेकिन काफी गर्म है इसके लिए। देखिए अभी ये बहुत ही अच्छे से हमारे छोले पक के तैयार हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर हमें एक मसाला तैयार करना है, जिसके लिए मैंने एक प्याज ले लिया है और प्याज को बहुत ही मोटा मोटा सा काट लिया है, क्योंकि मैं अभी इसकी चॉपर में अच्छे से पेस्ट जैसा बना लूंगी। एक अदरक का टुकड़ा लिया है छोटा सा, 4-5 कली लहसुन की ली है और 2 टमाटर लिए है। तो सबसे पहले मैं प्याज को थोड़ा चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे, तो हमारा आलू छोले का जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसे चॉप कर लेती हूँ। आलू को मैंने बॉईल कर दिया था और उसे मैश कर दिया है, और मसाला अच्छे से मैंने चॉपर में चॉप कर दिया है। तो चलिए अभी हम छोले बनाते हैं। तो छोले के लिए मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो छोले बनाने के लिए मैंने राई का तेल लिया है, तो तेल जैसे ही गर्म होता है उसमें राई और जीरा डालना है, और जैसे ही राई जीरा फूटने लगे उसमें हमें तेजपत्ता, दालचीनी, 1 छोटी इलायची और चक्रीफूल डालना है, और इसके बाद तुरंत हमने जो मसाला चॉपर में चॉप किया था उसे डाल देना है, और उसे अच्छे से हमें तेल में भून लेना है। आप कोई और भी तेल ले सकते हो, मैंने यहाँ पर राई के तेल का इस्तेमाल किया है। तो अभी मसाला हमारा थोड़ी देर के लिए मैंने भून लिया है, तो अभी इसके अंदर हमें थोड़े से सूखे मसाले डालने हैं। तो हमें हींग पाउडर डालना है, हल्दी पाउडर डालना है, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। जितना आप तीखा खाना चाहते हो उस हिसाब से आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो, और मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाते जाइएगा। तो अभी मैं मसालों को मिलाती भी जा रही हूँ और थोड़ी थोड़ी देर के लिए भूनती भी जा रही हूँ, ताकि नीचे मसाला हमारा जल ना जाए। अभी इसके अंदर हमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है, और आप गरम मसाला, छोले मसाला या सब्जी का मसाला जो भी डालना चाहते हो वो मसाला इसमें हमें डाल देना है, और इसे बहुत ही अच्छे से मिला देना है, और मसालों को साथ ही साथ इस तरह से भूनते भी जाना है। अभी हमने जो आलूओं को बॉईल किया था वो आलू भी इसमें हमें डाल देने हैं मैश करके। आप चाहे तो इसे काट के भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इसे दरदरा सा इस तरह से तोड़ दिया था हाथों से, और अभी मसाले के साथ इसे अच्छे से हमें मिला देना है और थोड़ी देर के लिए भून लेना है। अभी इसमें मैं 1 ग्लास भर के पानी डाल दूंगी, ताकि मसाला हमारा जल ना जाए और आलू के साथ बहुत ही अच्छे से मसाला पकना शुरू हो जाए। तो अभी 1 ग्लास मैंने अभी पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला दिया है, और अभी गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। और मसाला देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, इसका मतलब कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से पका है। तो अभी इसमें हमें छोले डालने हैं, और छोले डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से फिर से हमें मिला देना है, ताकि छोले में भी सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी पानी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। मैंने करीब 1.25 ग्लास जितना पानी इसमें डाला है, और पानी डालने के बाद छोले को मिक्स करके इसे उबलने देना है, और छोले बहुत ही अच्छे से उबल चुके हैं, और सबसे आखिर में हमें कसूरी मेथी डाल के इसे अच्छे से मिला देना है, और हमारे यम्मी वाले छोले बनके तैयार है। आलू छोले इस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। और अभी गैस की फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ,
और छोले के साथ खाने के लिए मैंने गर्मा गर्म नरम नरम पूरियाँ बना ली थी, तो आप भी एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और ये पूरियों की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और ये पूरियाँ इतनी सॉफ्ट बनी थी और फूली फूली सी कि आप भटूरे को भी भूल जाओगे इन पूरियों के सामने, उतनी टेस्टी पूरियां हमारी बनी थी। तो फ्रेंड्स मैंने थाली परोस दी है छोले और पूरी, साथ में आपको जो सलाद अचार जो भी चाहिए वो आप ले सकते हो, और ये छोले पूरी को एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।